हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री में कई तरह के नए इक्विपमेंट्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स फ्रिक्वेंटली ऐड होते रहते हैं। इनमें से कुछ दूसरे देशों से इंपोर्टेड भी होते हैं। पर जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत नाम का एक कैंपेन चलाया हुआ है, जिसमें इंडिया की यह कोशिश रहती है कि इंडिया में यूज होने वाली हर चीज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड हो और बाहर से इंपोर्टेड नहीं। इंडिया की इसी कोशिश के चलते अभी हाल ही में इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। और अब एक और प्रोजेक्ट जिसमें एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिजिनसली बिल्ट करा जाएगा और इसका नाम तेजस MK2 होगा, उसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 1 सितंबर 2022 को अप्रूव कर दिया है और एक ग्रीन लाइट दे दी है। तेजस MK2 जो कि एक इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, इसके डिजाइन, टेस्ट फ्लाइट और सर्टिफिकेशन के लिए CSS ने 6500 करोड़ का बजट अप्रूव किया है। अगर हम तेजस MK2 की बात करें तो तेजस MK2 एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है। यह एग्जैक्टली लाइट वेट कैटेगरी में नहीं आएगा, पर मिडिल वेट इक्विपमेंट्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। इसके अलावा इसमें 70% तक इंडिजनाइजेशन होगी, यानी कि इसको 70% तक इंडिया में ही बनाया जाएगा। इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा और यह एक सिंगल इंजन सुपरसोनिक फाइटर प्लेन और मल्टी रोल निभाने वाला एयरक्राफ्ट होगा। इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दी गई है। इनिशियली तो 2014 में ही MK2 की मेन डिजाइन स्टडीज फाइनल कर दी गई और 2015 में वह अपने डिटेल्ड डिजाइन फेज में था। उसके बाद 2019 में यह रीडिजाइंड फाइटर एयरक्राफ्ट एरो इंडिया शो में भी डिस्प्ले किया गया था। उसके बाद फाइनली तेजस MK2 की मेटल कटिंग का प्रोसीजर 2021 में शुरू हुआ। वैसे तो इसका पहला प्रोटोटाइप अगस्त 2022 में आने वाला था, पर अब यह डेट 2022 के एंड में शिफ्ट कर दी गई है। अब इस एयरक्राफ्ट के फर्स्ट टाइम टेक ऑफ करने की उम्मीद लेट 2023 तक है। गिरीश लिंगाना, एरोस्पेस एंड डिफेंस एनालिस्ट ने बताया कि तेजस MK2 के एडवांस्ड वर्जन में कई तरह के नए फीचर्स होंगे जो इसकी फ्लाइंग और फाइटिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा तेजस 2.0 में GE414 इंजन होंगे जो कि इसको करंट वर्जन के मुकाबले ज्यादा दूर तक फ्लाई करने में और ज्यादा वेपन्स और कार्गो कैरी करने में मदद करेंगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स अपने कुछ फाइटर जेट्स जैसे कि मिराज 2000, जैगुआर्स और MiG-29S को तेजस MK2 से रिप्लेस करने का प्लान कर रही है। इन नए फाइटर जेट्स की मदद से इंडियन एयरफोर्स को एयर अटैक्स डिफेंड करने में और डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों टाइप के ऑपरेशंस कैरी आउट करने में आसानी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अस।